सर आज उर्स के बारे में क्या बताएंगे आप, किस तरह की तैयारियां हैं शाम को जब लोग आएंगे, जो खास मजलिस होगी तो किस तरह के इंतजाम है और क्या बताएंगे आप? जी सबसे पहले तो मैं किश्तवाड़ की पूरी आवाम को अपने बेस्ट विशेज एक्सटेंड करता हूँ उर्स के आज इस पाक दिन पे। जैसा आप लोग देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में पूरे देश भर से लोग इधर आ रहे हैं और जो यहाँ की पुरानी रिवायत है, यहाँ के जो सूफी सेंट्स हैं उनको अपना रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। यहाँ पे जो अवकाश की टीम है उन्होंने अपने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग उनको पानी, बिजली और जो बेसिक सहूलियातें होती हैं, क्लेनलीनेस होती है म्यूनसिपैलिटी की, चौगान है, बैतुल ज़ायरीन है और जो हमारे श्राइन ज्यारतें हैं वहाँ पर ये सारी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे को लगता है कि डिस्पाइट स्पेस की कमी के चलते, बावजूद इसके काफ़ी अच्छे से उन्होंने अभी तक हैंडल किया है और आज भी शाम तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा क्राउड कंजेशन ना हो, सबको खाना मिल जाए, सब लोग अपने जो रिस्पेक्ट्स पे करने हैं, सब लोग जो अपने इधर आते हैं ज्यारतों में वो अपना आराम से आके खुशी से जाएं, ताकि जो अपना आने का सिलसिला है हर साल ये चलता रहे। सर आपने एक्सपेंशन की बात की, जो एक्सपेंशन आप ज्यारत से उनकी बात काफ़ी सालों से चल रही है, ईओ साहब भी आपके साथ है, तो उसको लेकर क्या प्रोग्राम है? क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि काफ़ी कंजेशन रहती है, जबकि एकोमोडेशन की भी कमी है। जहाँ हम बैतुल ज़ायरीन में खड़े हैं इसके लिए बताया जा रहा है कि इसकी नई मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की जाए, और इसके अलावा जो टीबी हॉस्पिटल की बिल्डिंग जहाँ पर है वो भी एज ए बैतुल ज़ायरीन है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, ताकि जो उर्स होते हैं या कोई इस तरह के त्यौहार होते हैं या कोई फंक्शन होते हैं तो किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो इस पर क्या बताएंगे? मुझे लगता है नई जगह पे जाने से पहले जो हमारे हाथ में है हम उसी को सही से मैनेज कर लें। आज की तारीख में जो हमारी ज्यारतों के आसपास के एरियाज हैं उसमें बहुत डी कंजेशन की जरूरत है। आप किसी भी जगह देखिए, कोई भी श्राइन होता है, कोई भी रिलीजियस प्लेस होता है, एक बेसिक जरूरत होती है सेपरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट की। उसके बिना लोग आएंगे कैसे, दर्शन करके वापस कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले हमारी कोशिश है और मेरे को लगता है अवकाफ की टीम इसमें लगी हुई है कि कैसे कॉमन कंसेंसस से और सबके कोऑपरेशन से उस एरिया को हम निकाल पाए। जैसे ही वो एरिया निकलता है डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, फिर उसके आगे जाके जितने भी एक्सपेंशन प्लान होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा।